नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप PHP ट्यूटोरियल का यह तीसरा लेसन देख रहे हैं। तीसरा लेसन में हम एडवांस PHP को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंक्लूड फाइल पढ़ लिया है, डेट एंड टाइम्स पढ़ लिया है। एंड इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। फाइल हैंडलिंग में क्या क्या देखेंगे? रीड फाइल देखेंगे, ठीक है, फाइल किस प्रकार से रीड करते हैं, ये फंक्शन क्या करता है। एंड इसके बाद ओपन, रीड एंड क्लोज, ये तरीका क्या है रीड करने का और राइट करने का, हम लोग किस प्रकार से फाइल को लिख सकते हैं, फाइल के अंदर कोई भी चीज़ मैटर उसको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरे पास दो फाइल हमने सेव करके रखा है, एक इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम से, एक हमने रखा है न्यू डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट डॉक नाम से। और इसको सेव किया हमने PHP क्लास के अंदर, इंडेक्स डॉट पी एच पी, उसी के अंदर न्यू डॉट टी एक्स टी भी सेव किया है ये वाली फाइल को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रीड फाइल करते हैं। रीड फाइल ये फंक्शन नेम है, और यहाँ पे जो भी फाइल को हमको रीड करना है उसका नाम न्यू डॉट टी एक्स टी। एंड अब इसका हम देखते हैं आउटपुट। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है। दिस इज अ न्यू फाइल। एंड अब देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज अ न्यू फाइल दिखा रहा है। और इस कितने कितने वर्ड का है, अगर हमको ये देखना है तो उसके लिए हमको इको लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो ये दिखाएगा 16। काउंट करते हैं ज़रा हम लोग, वन, ओके, 1 2 3 4, स्पेस को भी लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, स्पेस देंगे तो 17, ये 17 तो स्पेस भी काउंट करेगा। तो ये हमारा रीड फाइल करने का ये फंक्शन हुआ एक प्रकार से। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं। पहले हम किसी फाइल को पहले ओपन करते हैं, इसके बाद रीड करते हैं, इसके बाद क्लोज करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमने ओपन ओपन डॉलर ओपन एक वेरिएबल लिया, एंड एफ ओपन कीवर्ड डालेंगे। एफ ओपन फंक्शन नेम, उसके अंदर हम डालेंगे फाइल का नेम न्यू डॉट डॉट टी एक्स टी एंड कॉमा। यहाँ पे जो हम डालेंगे ये दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर हमारा लिया फाइल नेम, सेकंड पैरामीटर क्या करना है आपको, हमको रीड करना है। आर मतलब रीड करना, डब्ल्यू मतलब राइट करना। हम अभी रीड करेंगे फाइल को, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ ओपन करके रीड, आर फॉर रीड करना, ठीक है। ये फाइल सिर्फ रीड हो सकती है, ठीक है। एंड इसके बाद हमको इको लिखना है, एंड फाइल को यहाँ ओपन कर लिया, अब रीड करेंगे। एफ रीड, रीड एफ रीड में भी दो एक्सटेंशन हैं। सबसे पहला एक्सटेंशन कौन से फाइल नेम है, यानी ओपन, यानी ये ओपन हमने फाइल को ओपन किया है वो चीज़, ठीक है। ये हमारा फाइल ओपन है, ठीक है, ओपन तो हो गया। कौन सी फाइल? ये फाइल, और वो रीड ही है ओनली। एंड देन अगेन यहाँ पे ओ फाइल साइज, SIZE, फाइल की साइज कौन सी है, यानी फाइल कौन सा है उसको हमको डालना होगा यहाँ पे। वही अगेन न्यू डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट, ओके, इतना ही कर देंगे अगर हम, तो ये आउटपुट हमको वापस से अनडिफाइंड वेरिएबल ओपन, थर्ड लाइन एफ ओपन अनडिफाइंड है ये, नहीं ओपीएन ओपन टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी रेट फाइल साइज, अच्छा यहाँ पे ओपीएन ओपन, ठीक है, ये हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया था। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, बट एक ही लाइन में ये शो करेगा, ओके। तो ये हमारा दूसरा तरीका हुआ ओपन करने का। अब ओपन अगर फाइल हो जाता है तो रूल के अकॉर्डिंग इसको क्लोज भी करना होता है, इसलिए एप क्लोज एक फंक्शन नेम है, और यहाँ पे जो हम ओपन किए हैं उसको क्लोज कर देंगे, यानी ओपन हमने इसको किया था और इसी को हमने क्लोज कर दिया। ये फाइल लास्टली क्लोज भी हो गया आपका। अब देखते हैं आगे की और क्या है। अगर हमको फाइल राइट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा उसी तरीका से जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया है। एंड यहाँ पे जो हमारा आर लिखा है यहाँ पे डब्ल्यू लिखना होगा, क्योंकि हमको अब राइट करना है फॉर्म। इसके बाद हम फाइल
को राइट करने के लिए एफ राइट लिखेंगे एंड फाइल नेम, ओके, जो भी फाइल नेम है, यानी फाइल नेम यानी ये जो ओपन की है वो फाइल नेम, एंड देन जो भी टेक्स्ट हमको लिखना है वो लिख सकते हैं, एंड इसके बाद अगेन क्लोज। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको पूरे को हम इसी में देख लेते हैं। ऐप ओपन करते हैं न्यू फाइल को, एंड यहाँ पे आर के स्थान पे डब्लू कर देते हैं, ठीक है, एंड इसको पूरा हटा देते हैं, हम क्लोज रहने देते हैं, एंड एफ राइट कर रहे हैं हम डॉलर ओपन, यानी ओपन की वैल्यू को, एंड जो टैक्स है हमारा टैक्स क्या है, हमारा टैक्स है हम टैक्स डाल देते हैं हेलो बॉस, हेलो बॉस, ठीक है, हमने ये टैक्स डाला, एंड अनडिफाइंड वेरिएबल ओपन किसमें अनडिफाइंड है, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा अनडिफाइंड ओपी, फिर यहाँ पे यार गड़बड़ किया, OPEN ओपन, ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया लेकिन दिखा नहीं। ये देखिए यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है दिस फाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड, यस, हम अगर इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए हेलो बॉस, यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए। अच्छा इसको ओपन करके देखा जाए जरा, अगेन, हाँ अगेन ओपन किया हेलो बॉस, यहाँ दिखा रहा है। तो अभी इस फाइल को हम फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि ये बार बार सेव करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे हम कुछ और डालते हैं, बॉस डालते हैं, तब भी यहाँ पे अब क्या गड़बड़ हुआ यार, यार बॉस, ठीक है, अभी भी चेंज हो गया। अगर देखेंगे ओपन करके न्यू फाइल को तो ये बॉस हो गया है, बट दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने फाइल को अभी रीड नहीं किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रीड फाइल जो सबसे पहला हम आपको फंक्शन बताएं वो भी करके आप न्यू डॉट txt कर देंगे तो आपको दिखने लगेगा बॉस, यानी जो भी आप इसमें सेव चेंज करना चाहते हैं हेलो, या कोई वेरिएबल बना के यहाँ पे txt टैक्स की एक कोई वेरिएबल बना लीजिए, और उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू txt टेक्स्ट एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम डॉलर txt एंड फाइल न्यू टेक्स्ट, ऑटोमेटिक यहाँ पे एफ रीड फाइल करके यहाँ पे न्यू टेक्स्ट शो कर रहा है, ओके। और अगर आप दूसरे तरीके से चाहते हैं फाइल ओपन करके क्लोज करना तो आप उसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप वापस से ओपन वन करिए, एंड या यही ओपन रखने दीजिए, वेरिएबल नेम है यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, वेरिएबल नेम एफ ओपन कौन सी फाइल न्यू डॉट txt, एंड देन अब हमको फाइल रीड करना है, एंड यहाँ पे हमको एफ रीड क्या करना है, डॉलर ओपन कॉमा फाइल साइज के अंदर कौन सा फाइल है हमारा न्यू डॉट txt, एंड फाइल क्लोज करना चाहे तो कर लीजिए। वही चीज़ आएगा थर्ड लाइन में, एफ रीड के स्पेलिंग गलत है, एफ रीड आर ई सही तो है, इज नॉट वैलिड स्ट्रीम इको एफ रीड 7 9, क्या गड़बड़ है भाई, फाइल साइज ओपन एफ ओपन, ऐसा तो नहीं ना, इसके वजह से तो नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है, इज नॉट वैलिड स्ट्रीम, ओपन वन अनडिफाइंड वेरिएबल ओपन वन एट, यार हम बार बार ये स्पेलिंग क्यों गलत कर दे रहे हैं, ओपन वन
अब आ गया ये न्यू टेक्स्ट। यहाँ पे अगर वन भी नहीं डालेंगे वो ओपन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, ये वन भी नहीं डालेंगे तो वो काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं, हाय भी अगर डालते हैं अब यहाँ पे, तो ये हाय यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ राइट करने का तरीका। अगर हम यहाँ पे W कर दे तो क्या ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे। और क्या हम यहाँ पे रीड कर दे तो क्या ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ओके, यहाँ पे ये राइट ही होना चाहिए, तभी ये हाय आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही रखते हैं। फाइल हैंडलिंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाएंगे फाइल अपलोड के बारे में, इसके बाद कुकीज़, इसके बाद सेशन, इसके बाद हमारा एडवांस पीएचपी ख़त्म हो जाएगा और हम चलेंगे MySQL डाटाबेस लेसन 4 पे। ओके, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।